हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नीना एंड द बेबी स्पैरो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन। फर्स्ट इज मार्केट, बॉदर मीन्स मेकिंग सैड, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, अपसेट मतलब नाराज होना, रिमूव, वेडिंग, वेडिंग का मतलब है शादी, मैरिज, लवली, प्लम्प मीन्स फैट। फ्रेंड्स, लेट सी द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट वन इज नीना, सेकेंड वन इज नीनाज मदर, एंड देन थर्ड इज बेबी स्पैरोज। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। देर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. मतलब नीना का परिवार शादी के लिए दिल्ली जा रहा था, लेकिन नीना छोड़कर सभी बड़े खुश थे। Everyone was happy except Nina. Except मतलब को छोड़कर, मतलब नीना को छोड़कर सभी खुश थे। Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. उसकी मम्मी ने पूछा, नीना की मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है। I don't want a new dress, mother said Nina. नीना ने कहा कि मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, तब सलवार कमीज। Nina shook her head. नीना ने अपना सिर हिलाया। What about those lovely white shoes you saw last week? उन सफ़ेद प्यारे जूतों का क्या जो तुमने पिछले सप्ताह देखे थे? I don't want those either. Thank you, mother. मुझे वो भी नहीं चाहिए। Then, Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. नीना की माँ परेशान हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह घर वापस आ गए और दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। वॉट इज इट चाइल्ड? खाने के बाद माँ आई और माँ नीना के पास बैठ गई। क्या बात है मेरी बच्ची, उन्होंने पूछा। देन वाई डिड यू से, शी आस्क्ड, वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? हर चीज़ के लिए तुमने ना क्यों बोल दिया? मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। माँ, मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। बट वाई, लेकिन क्यों? माँ ने उससे पूछा कि तुम शादी में क्यों नहीं जाना चाहती। नीना सेड नथिंग, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। नीना ने कुछ नहीं कहा, आंसू के दो बड़े बड़े बूंद उसकी गालों पर लुढ़क गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड हर। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? नीना की माँ ने उसको पास लेकर कहा, रो नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? बॉदरिंग, बॉदरिंग मीन्स मेकिंग सैड, परेशान करना, कि तुम्हें कौन सी चीज़ है जो इतनी परेशान कर रही है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स। मदर शी सेड, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। नीना की आंखों से और आंसू बहने लगे और उसने कहा, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है उस पर क्या है? स्पैरो का नेस्ट है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। आई सी, सेड मदर। माँ ने कहा, अच्छा
तो ये बात है, दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, उन्हें अभी पंख निकलने भी शुरू हो गए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, और बढ़ने के कारण उन्हें भूख खूब लगती है, पूरा दिन वे चिप चिप करके खाना मांगते रहते हैं। आई सी, सेड मदर, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। अच्छा तो ये बात है, माँ ने कहा। फिर नीना ने कहा, यदि हम जाते हैं तो पूरे घर में ताला लगा दिया जाएगा और चिड़िया के मम्मी पापा उनके बच्चों को कैसे खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। नीना की मम्मी ने उसे प्यार से गले लगाया। क्या इसी कारण तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. हम क्या करेंगे कि हम हमारी घर की खिड़कियाँ खुली रखेंगे। Oh, can we mother? Can we really? क्या हम ऐसे कर सकते हैं माँ? क्या हम ऐसे कर सकते हैं सचमुच? नीना ने खुश होकर कहा। Yes, yes. We will remove all your things from the room and lock the door on the outside. हाँ, हम लोग कमरे से तुम्हारी सारी चीज़ें हटा देंगे और दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे। So the house will be perfectly safe and papa and mama sparrows can come and go freely too. तो इस प्रकार अगर हमने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया तो हमारा घर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और चिड़िया के पापा और मम्मी आराम से घर में आ जा भी सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। फिर नीना की मम्मी नीना को समझाती है कि थोड़ा सोचो नीना, जब तुम शादी में मौज मस्ती कर रही होगी, चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले में स्वस्थ और मोटे हो रहे होंगे। गुड आइडिया, isn't it? क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? इट वॉज अ गुड आइडिया। When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled? और यह एक बढ़िया विचार था। जब नीना शादी से वापस आई, कमरे के अंदर चारों ओर दो मोटे छोटे चिड़िया के बच्चे उड़ रहे थे और ये देख के नीना बहुत ही खुश हो गई। एंड वॉज़न्ट नीना थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब है वेरी हैप्पी, बहुत खुश। थैंक यू।